प्रियंका और निक की लव स्टोरी के बारे में पहले से जानती थी। ये एक ट्रेस खुद किया बड़ा खुलासा। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का प्यार इन दिनों दोनों के सर चढ़कर बोल रहा है। प्रियंका और निक ने सगाई कर अपने फैंस को चौंका दिया था। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों की इस लव स्टोरी के बारे में पहले से ही किसी और को भी पता था। आपको बता दें कि दोनों की लव स्टोरी के बारे में किसी बाहर वाले को नहीं बल्कि खुद प्रियंका की बहन परिणीति चोपड़ा को सबसे पहले पता था। फिल्म फेयर से बातचीत के दौरान परिणीति ने बताया कि जिस दिन निक ने प्रियंका को प्रपोज किया था तब उनका जन्मदिन था। मुझे सुबह 3 बजे एक मिस्ड कॉल आई। मुझे पता था कि वह छुट्टी पर है। मैंने उसे फेसटाइम किया। उसने मुझे अंगूठी दिखाई और मैं लगभग बेहोश हो गई। प्रियंका और निक दोनों कॉल पर थे। मैंने कॉल पर रोना शुरू कर दिया था, लेकिन वो पल बेहद खूबसूरत था। परिणीति ने निक के बारे में आगे बात करते हुए कहा कि निक इस रिश्ते की सहमति के लिए बड़ी मामा से पूछने के लिए भारत आए थे। वह बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि पिछले साल मेट गैला के इवेंट के दौरान निक और प्रियंका को एक साथ देखा गया था और तभी से दोनों के रिश्ते के बारे में बॉलीवुड गलियारों में खूब चर्चे हो रहे थे। इसके बाद निक और प्रियंका ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की तस्वीरें पोस्ट कर आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की घोषणा कर दी थी। वहीं अमेरिकी टॉक शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन पर अपनी मंगेतर प्रियंका के बारे में बात करते हुए निक ने कहा कि यह तत्काल था और मुझे लगता है कि हम जानते थे कि यह सही था और हम बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि निक ने प्रियंका को जुलाई लंदन टूर के दौरान प्रियंका को शादी के लिए प्रपोज किया था। उस दौरान प्रियंका अपना 36वां जन्मदिन मना रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, निक ने देसी गर्ल को प्रपोज करने के लिए एक खास तरह की अंगूठी लेने के लिए ब्रिटिश राजधानी के टिफनी स्टोर तक बंद करवा दिया था। वहीं परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म नमस्ते इंग्लैंड के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं।